प्रभु की स्तुति हो। स्वागत है प्रिय भाइयों, हम लोग परमेश्वर का संतान है। आज हम लोग यहाँ पे है क्योंकि पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है। आपको जानना बहुत जरूरी है कि हम लोगों का आत्मा प्रत्येक दिन परमेश्वर का वचन को तलाश करता है। इसलिए आइए हम लोग प्रभु का वचन को ध्यान करें। ध्यान के माध्यम से हम लोग अपने आत्मा को पवित्र वचन से तृप्त करें। यहशया 9 अध्याय का 6 पद। ये सब कुछ तब घटेगा जब उस विशेष बच्चे का जन्म होगा। परमेश्वर हमें एक पुत्र प्रदान करेगा। ये पुत्र लोगों की अगुवाई के लिए उत्तरदायी होगा। उसका नाम होगा अद्भुत उपदेशक, सामर्थी परमेश्वर, पिता कुचिर अमर और शांति का राजकुमार। यहशया 9 अध्याय का 6 पद। ये सब कुछ तब घटेगा जब उस विशेष बच्चे का जन्म होगा। परमेश्वर हमें एक पुत्र प्रदान करेगा। ये पुत्र लोगों की अगुवाई के लिए उत्तरदायी होगा। उसका नाम होगा अद्भुत उपदेशक, सामर्थी परमेश्वर, पिता कुचिर अमर और शांति का राजकुमार। यहशया 9 अध्याय का 6 पद। ये सब कुछ तब घटेगा जब उस विशेष बच्चे का जन्म होगा। परमेश्वर हमें एक पुत्र प्रदान करेगा। ये पुत्र लोगों की अगुवाई के लिए उत्तरदायी होगा। उसका नाम होगा अद्भुत उपदेशक, सामर्थी परमेश्वर, पिता कुचिर अमर और शांति का राजकुमार। परमेश्वर का महिमा हो। वर्तमान हम लोग एक पेड़ के समान है जो कि नदी के किनारे लगाए गए हैं, जो सही समय में फल लाता है, जिसका पत्ता कभी मुरझाता नहीं है और वो जो कुछ करे उसमें सफल होते हैं। परमेश्वर का वचन हमें संभालता है, यह हमें शुद्ध करता है, यह हमें शांतना देता है, यह हमें शक्ति देता है, यह हमारे आत्मिक प्रवृत्ति करता है, यह हमें जीवन देता है, यह हमारे पाप के विरुद्ध लड़ाई करता है, यह हमें और हमारे परिवार में आशीष को लेकर आता है। आमीन।